जय जगन्नाथ। सिद्धार्थ भक्तिर यही गीता रहस्य कार्यक्रम को मुझे समस्त को स्वागत जनाऊ। श्रोता बंधु, गीता रहस्यर पूर्व अध्याय आम मैने विचार करुले भगवान अत्यंत सुंदर भाव अर्जुन को कहते, हे अर्जुन, ये जो विषय गुड़िक अच्छी मात्रा स्पर्शास्त कौंतेय ता सहित जत बड़े इंद्रिय गुड़िकर संजोग हुए एगुड़क किपरी एगुड़िक होची आगम पाइनु एगुड़िक जीव आसीब एगुड़िक नित्य नुह तेणुक तुम एगुड़िक सहन करिवो तितिक्षार सहित एगुड़िक सहन करिवो। आमे माने उदाहरण स्वरूप चिंतन करुले महापुरुष जीवन जो मानकर जीवन आम समस्त आदर्श से भाई तुकार महाराज आम मान जीवन घटना गुड़िक चिंतन करुले। आम मान जीवन रे आम साधारणतः विभिन्न प्रकार सुख दुख दे गति करूँ, कि सुख दुख निजक ऊर्धर रखार जो सूत्र ताक आम को निज जीवन रे आचरण रे आणवाक पड़ो, ताहले ही आमे माने ए सुख दुखर ऊर्धर रही पारिबा। ए सुख दुख को जदि आमे आनंदर सहकारे स्वीकार करिबा ताहले आम जीवन अत्यंत आनंदमय हो जीवो। भगवान से कथा को भगवद गीतार द्वितीय अध्यायर पंद्रहतम श्लोक अत्यंत सुंदर भाव में कहते, यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषश्रव समदुःख सुखं धीरं स्वमृतत्वाय कल्पते। ए जीवन होची गोटे शास्त्र। भगवान एटी कहउचंती यं हि न व्यथयन्ते ते जो माने याधरे व्यथित होंती नाही सेई माने होचंती सेई भड़ी पुरुष, से भली पुरुष श्रेष्ठ। सेमानंकर जीवन रे कौन लाभ हुए, सेमानंकर जीवन रे सम दुख सुखं धीरं जो माने ए सुख दुख रे धीर अवस्था रे रुहंती से मानंकर जीवन रे सो अमृत तत्वाय कल्पते, से माने से जो अमृत तत्व अछि ताकु प्राप्त हुंती बा से अमृत तत्व को प्राप्त होवार अधिकारी ही जानती। जे अधिकारी हे गला निश्चित भाव रे ताकु से अमृत तत्व प्राप्त हबो। आमे माने साधारणत भावु अमृत कथा जेतो बले सुनिबा को पाऊ सेतो बले आम मन रे आसे जेतो बले समुद्र मंथन हेथिला सेतो बले जेतो बले समुद्र मंथन हेची सेतो बले अमृत कलश बाहरिची ताकु मन रखी विभिन्न समय रे आमर विभिन्न प्रकार उत्सव हुए। आपण माने समस्त प्राय जानिथिबे 12 वर्ष रे थरे कुंभ भी आसे। कुंभ समय रे विभिन्न स्थान रे सबु ऋषि मुनि महापुरुष माने आसी एकत्र स्नान करती, श्रद्धालु माने स्नान करती, तो अमृत कथा एटी कह जाउची। विभिन्न समय रे शास्त्र रे पुराण रे आमे अमृत कथा सुनिबा को पाऊ। जेतेबेले सुखदेव आसिक पहुँची जंती परीक्षित को समस्त चेष्टा करचंती विभिन्न प्रकार संबोधन देकरी जे आमे करिबा को समर्थ नुह, किंतु सात दिन भीतर केही आपण को सही अमृत तत्व को प्राप्त करई परिबे नाही जे आपणकर कोनोसी क्षति हेबो नाही से आश्वासना केही दे पार नाहंती। सेतबेले सुखदेव आसिकरी पहुँची जंती एवं भागवत रूपी अमृत कथा को जेतबेले श्रवण करिसंती परीक्षित को सी निश्चिंत हो जाइंती। तार परे तक्षगर दंशन सत्ते मध्य परीक्षित आ मृत्यु को प्राप्त होई नाहंती। कहिवार अर्थ कौन, कहिवार अर्थ नुह जे शरीर नाश हेबो नाही। आमे माने श्रवण करिचे ए देह निश्चित भाव रे नाश हबो। आमे माने समस्त जानिचे, आमे देखुचे भी एटी आम मानंकु अजणा नाही। एई अमृत तत्व जे प्राप्त हेगला ए जीवन गोटे शास्त्र। एई अमृत तत्व को किए प्राप्त करि परिबो जे दुख आ सुख रे समभाव रखिबो ताकु प्रभावित करि परिबो नाही। जहाकु दुख आ सुख प्रभावित करि परिबो नाही सही अमृत तत्व को प्राप्त करिवार अधिकारी ही जीव आउ सही अमृत तत्व को प्राप्त हो पार। आमे केही
जीवन रे सुख समस्ते चाहूचे दुख केही चाहूने समस्ते चाहूचे सब बेले सुख आम जीवन रे आसु दुख को केही चाहूना हे किंतु एहा कोन संभव मनीष होकर जितेबले आम आसीचे निश्चित भाव रे समस्त जीवन रे आम माने जिते बड़ घरे जन्म नौ जिते अधिकारी आम हो निश्चित भाव रे एहा जीवन गोटे निराट सत्य आम जीवन रे सुख भी आसीब आम जीवन रे दुख भी आसीब दुख परे सुख केतेबले सुख परे दुख हेई पारे कौनसी प्रकार सुख आ दुखर जो स्वरूप अछि तार प्रकार रे भिन्नता थाई पारे किए कौनसी कारण दुखी किए कौनसी कारण दुखी किए कौनसी कारण सुखी क्या को सुख आधिक्य अच्छी क्या जीवन सुखर आधिक्य अच्छी क्या जीवन दुखर आधिक्य अच्छी जो मैंने धीर पुरुष से मैंने एथिरे व्यथित हुंती नाही कहीं व्यथित हुंती नाही आम यह पूर्व प्रसंग करुले कारण से मैंने जाणी एगुड़िक जीव आसब आपण मैंने देखिथिबे श्रवण करिथिबे जेतेबेले महाभारत युद्ध रे युद्ध समाप्त हो जाइछि सेतेबेले बहुत दिन विश्राम करिवा परे भगवान श्री कृष्ण द्वारिका उद्देश्य रे यात्रा करिवा पई बाहरि चंती सब पांडव मन घेरि कि ठिया हे चंती रथ सजा हो जाइछि रथ उपरे उठिबा को जाउ चंती सेतेबेले समस्त प्रार्थना करु चंती रहि जिवा पई बहुत थर ए प्रकार अवस्था आसवा सत्वे भगवान पुनश्च रही जाइछन्ति किंतु शेषे बहुत दिन व्यतीत हो जाइछि द्वारिका को फेरिबा को पड़िबो सेई समय रे जेतेबेले रथ रे उठुचन्ति सेतेबेले प्रार्थना करुछन्ति मा कुंती कौन प्रार्थना करुछन्ति हे प्रभु मते सबुबेले दुख प्रदान कर समस्त आश्चर्य हो जाइछन्ति कारण कौनसी मनुष्य केतेबेले दुख चाहे ना सबुबले चाहे सुख एटी माता कुंती दुख को स्वीकार करचंती दुख को प्रार्थना करचंती भगवान को पाखरे काहेकि कहचंती प्रभु जेतेबले जेतेबले मो जीवन रे दुख आसीची कष्ट आसीची सेतेबले मु देखीची आपण मो पाखरे अछंती सबुबले आउ आजि जेतेबले सबु प्रकार कष्ट दूर हो जाऊँगी सेतेबेले मु देखुची आपण मोठु दूर को चली जाउछंती कौनसी मुहूर्त रे भी आपण को चिंतन बिना रही नहीं कारण जेतेबेले दुख आसीची मु केवल आपण को स्मरण करिची किंतु आज सबु प्रकार सुखर समृद्धिर अवस्था आसिकरि पहुँचिची मो पुत्र मानकर कष्ट नहीं मो पुत्रवधु मानकर कष्ट नहीं समस्ते ए विराट राज्य को प्राप्त करिचंती सबु प्रकार कंटक नाश होइची किंतु सेई मुहूर्त रे प्रभु आपण हमको छाड़कर चली जाउचंती कहिवार तात्पर्य होउची दुख को स्वीकार काही एठी करुचंती कारण ता पछरे उद्देश्य होउची प्रभु परमात्मा ही उद्देश्य कारण जेकोणसी कुंती कथा को भल भाव जानिचंती जेकोणसी प्रकार सुख दुख अनित्य परमात्मा ही सत्य सब किछ को छाड़ी जदि परमात्मा को आम प्राप्त होचे जदि आम जीवन रे परमात्मा कर स्मरण चिंतन मनन होची ताहले सही जीवन धन्य ए जीवन शास्त्र को आम को भल भाव अध्ययन करवाक पड़िबो चिंतन करवाक पड़िबो जीवन रे सुख अच्छी दुख अच्छी जे ए सुख दुख रे विचलित नहला से ही जीवन रो श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो पारिबो कहिवा केते सहज जे सुख दुख रे विचलित हबो नाही किंतु जेतेबेले दुख आसीकर पहुँची जाए आम जीवन रे सेतेबेले आमे विचलित हवा स्वाभाविक हो जाए तेणुकर विचार करवा दरकार ए सुख दुख रो मूल कौन कारण सुख भी आम जीवन रे आसे किछि सिखेवा पई दुख मध्य आसे किछि सिखेवा पई समस्त भावंती जे सुख को हजम करिवा बहुत सहज दुख को हजम करिवा बड़ कष्ट किंतु जेतेबेले
तात्विक भाव रे आमे माने विचार करिवा सेतबेले जानि परिवा जे दुख को सहन करिवा दुख को हजम करिवा तो कष्ट किंतु सुख को हजम करिवा ताठ मध्य कष्टकर। कुंती अत्यंत विज्ञ थिले, तांको जीवन अनेक किछि शिक्षा देथिला, तेणुक से दुख को प्राप्त होगापी भगवान पाखे प्रार्थना करते। तेणुक एटी भगवान कौन कहते, यंग ही न व्यथयन ते पुरुषंग पुरुषश्रव समुख सुखं धीरंग सो अमृत तत्वाय कल्पते। सुख संपत्ति जितेबले आसे आम भितर दुर्गुणता द्वारा प्रभावित हुए, दुर्गुण अधिक हुए, आम भितर भोगर बासनार वृद्धि हुए। प्रायत तो देखा जाए आम कौन को भाव रे ताको उपयोग करुचे निज जीवन रे, आम भितर अहंकार आसे। तेणुक सुंदर भाव रे जड़े संत कहते जे देख धन संपद आसला से कौन सी प्रकार असुविधार कथा नुह, से जदि आमर आलमारी भितर रहला ताहले बहुत भल कथा। किंतु आम कौन करुचे ताको निज बुद्धि रखिदे, तेणुक सृष्टि करण ता अहंकार सृष्टि करम भितर जहाँ होम मानकर पतन कारण। जोबले सुख आसुची आम से कौन भूली जाऊे, आम त्याग करने को भूली जाऊे। टी आगु आम मैंने विचार करुले भगवान ये कहते जे तितिक्षा सहन करिवार जो शक्ति आम भितर कमी कमी जाऊँ, ताद्वारा कौन हो आम मानक जीवन बेसी प्रभावित होदि का पाखे सामर्थ्य अच्छी सी कौन करुची सी घरे गोटे आजिकल जिते बड़े गरम है गरम रे आम एसी टे लगे दूचे घरे। जिते बड़े गोटे मनीष से जो शीतताप नियंत्रित जंत्र प्रभाव रे जिते बड़े से घरे रोची ता जीवन रे कौन प्रभाव पड़ू परवर्ती क्षेत्र में देखा जाऊँ तार शारीरिक सामर्थ्य शक्ति कमी कमी जाऊँ। अच्छा व्यवहारिक जीवन तार स्वतंत्रता बढ़ुची ना तार स्वतंत्रता कमुची, जितेबले स्वाभाविक जीवन जापन करुला से कौन होता बाहर को जापला थे जदि किए जीवन में भोग को आधिक्य क्या जीवन में पलि आस कौन हम जी एसी रोथ्वे देखु टेम्परेचर जदि तीस रु आठ अधिका हो गला ताकू पांच मिनिट ठिया हवा ता पक्षे संभव नुह। तार निज जीवन रे देखा जीवो ता भीतर विभिन्न प्रकार अस्वस्थ आसवाक लगे, ता भीतर रोग वृद्धि हवार संभावना बढ़िजी जदि से निजक से संरक्षित व्यवस्था भितर टे बाहर को लेकिन जीव ता जीवन अत्यंत कष्टकर हो। तेणुक कहते जे भोगे रोग भयम, जदि आमे जो आमर सामर्थ्य आसला सुख आसला ताकू जदि केवल निजर भोग पाई उपयोग करिवा ता पछरे कौन आसिबो भोग पछरे रोग जोड़ी हिकर आसिबो। तेणुक आम जीवन रे समता रहिवार आवश्यकता अछि, जदि आमे ठीक भावरे निजर सुखर अवस्था को बंचिवानी जेतबले आम पाखरे सामर्थ्य अछि तार जदि ठीक भावरे उपयोग करिवा नाही ताले कौन हम आमर दुखर कारण हम सी मानसिक भाव रे शारीरिक भाव रे आमको दुर्बल करिवो। किंतु जेतबले आम जीवन रे दुख आसिबो सेतबले आमको ताको को भली स्वीकार करबाक पड़िबो, सेई गुडीक होउची आम जीवन बंचिवार सबुठु बड़ सूत्र। कारण दुईटी जाक निश्चित भाव रे आम जीवन रे आसिबो ही आसिबो। आउ गोटे कथा चिंता करंतु व्यवहारिक जीवन रे आपण देखिथिबे जेतबले आपणकर सामर्थ्य कम थिबो बा व्यवहारिक जीवन रे सामाजिक जीवन रे कौनसी प्रकार दुख थिबो सेतबले आपण देखिबे जो माने निजर मन करुछन्ति जो मानुंको धर बंधु बांधव समाज रे अन्य लोक माने से माने सब आसिकरी आमको आश्वासना देबे। किंतु जेतबले आमर परिस्थिति रे परिवर्तन आसिबो सेतबले कोन हबो सेतबले से माने आमको ईर्ष्या करिबे। यही कथा गुड़ी को आमको जीवन रे विचार करने को पड़े। दुख रे कौन हुए दुख जितेबाला आम जीवन रे आसे सेतबाला आमको विचार करने को पड़े जे दुख
ଆସିଛି ଆଉ ଚାଲିଯିବ। ଦୁଃଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସହନ କରୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଆମ ଭିତରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ଆସେ। ତ ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଖରୁ ଆଉ ଦୁଃଖରୁ କେମିତି ମଣିଷ ବ୍ୟତୀତ ହେବ ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜୀବନ ଯେଉଁଟି ଭୋଗଜନୀ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଭୋଗଜନୀ। କ'ଣ ତାହାର ଅର୍ଥ ଆମେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଛେ ଯେ ପ୍ରାୟ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅଛି, ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟପତଙ୍ଗ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅଛି। ମଣିଷ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ବୁଲି ବୁଲିକରି ଆସେ। ମଣିଷ କ'ଣ କେଉଁ ଯୋନିରେ, ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବା ତାକୁ ଦେଇକରି ଗତି କରିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ଯେଉଁଟି ଭୋଗ ଯୋନି ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନଥାଏ, ବିବେକ ବିଚାର କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନଥାଏ। ଯାହା କର୍ମ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟଟା ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଧର କିଏ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତା'ର କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି? ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଯୋନିରେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତା'ର କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବିଚାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, କର୍ମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଥରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। କୁହାଗଲା ଏଠି 84 ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଏ 84 ଦ୍ୱାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଏଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଦେଇକରି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯିବ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ଠକ୍ 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 କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦ୍ୱାରଟି, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇକରି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେଇ ଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ପିଠି ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗତିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଲେନି, ସେ ଚାଲି ଚାଲିକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲା ଅଛି ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇକରି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଏଇ ଦ୍ୱାର, ଏ ମଣିଷ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ, ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ତା'ର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ସେଇ ଲୋକଟିର କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ଦେହ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଦ୍ୱାର ଦେଇକରି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆମେ ଏ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ସେଇ ସମ୍ଭାବନାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଏଇଟି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜନି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭୋଗଜନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟି ହେଉଛି ଭୋଗଜନି ନୁହଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜେଲରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅପରାଧ କଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଜେଲରେ ପକାଇ ଦିଆହେଲା, ଜେଲରେ ଯଦି ତାକୁ ରଖିଦିଆହେଲା ତା ଭିତରେ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ ଧର 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଗଲା ଯେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାକୁ ଜେଲରେ ରଖିଦିଆ ହୋଇଛି, 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସେ 5 ବର୍ଷ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତା'ର ସଜା କାଟୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ସରିନି ସେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପରତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ, ତା ଭିତରେ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛେ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଏଇ ସମାଜରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ କର୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଅଛି, ଯଦି ଆମର କର୍ମ, ଆମର ଆଚରଣ,
आमर विचार शुद्ध हम ताल निश्चित भाव में ताकि उन्नत अवस्था को लेकर जीव ये गोटे जगह समस्ते आम मैंने पुराण से जो श्रवण करवा सेत देखा जे देवता माने इच्छा प्रकट करूँ ये मनीष देहर आसिकी धरापृष्ठ से जन्मग्रहण करेंगे कहीं कारण जदि इंद्र मध्यगले देवतागले स्वर्ग को पलैले सेठूर जोबले पुण्य समाप्त होत भोग समाप्त होत पुनश्चु तल को आसवाक पड़ो किंतु ये मनीष जीवन गोटे जीवन जोठो मुक्तिर द्वार अच्छी तेणुक दिव्य मनीष जन्म को आम निश्चित भाव में श्रेष्ठ प्रकार विनियोग यही नित्यांत काम्य आज समय है प्रसंग को आम ये रखा पुणी देखा हे गीता रहस्यर आ गोटे अध्याय विदाय नौ जगतनाथ जगन्नाथ चरण कमल आपण समस्त दिव्य सुख लाभ हो आनंद लाभ हो प्रार्थना करुच्छी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।